हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आपके सामने डॉक्टर कुमुद जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ पीजी कॉलेज बीकानेर से वापस क्रिमिनोलॉजी एंड पेनोलॉजी, अपराध शास्त्र एवं दंड शास्त्र का एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट, एक बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरी, थ्योरी ऑफ डिफरेंशियल एसोसिएशन। थ्योरी ऑफ डिफरेंशियल एसोसिएशन क्या कहती है? यह है विभेदक सहचार्य का सिद्धांत। विभेदक सहचार्य का सिद्धांत ये किसके द्वारा दिया गया है? यह किस दिस थ्योरी हैज बीन प्रपाउंडेड बाय सदरलैंड इन 1939। सदरलैंड के अनुसार व्हाट डज ही से? ही सेज, ही असर्ट्स। व्हाट डज ही असर्ट? सी व्हाट वर्ड्स आई एम यूजिंग इन इंग्लिश, प्लीज हिंदी मीडियम वाले भी थोड़ा सा ध्यान रखें। ये जो आपके शब्द हैं असर्ट्स या प्रपाउंडेड, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि आप अपनी खुद की डिक्शनरी में अपने खुद में मनन कर लें, ताकि आपका जो एक फोर्थ पेपर है, आई एम टॉकिंग अबाउट बीकानेर यूनिवर्सिटी, उसमें जो इंग्लिश का एक पेपर होता है, कई बार आप जब कुछ चीजें लिखते हैं, कुछ चीजें कोट करते हैं, तो उनमें ये शब्द काफी इम्पोर्टेंट है। तो मैंने अभी पहला एक शब्द यूज किया, प्रपाउंडेड, सदरलैंड प्रपाउंडेड। अब अपन ने क्या कहा, व्हाट डज दिस थ्योरी असर्ट्स, यानी कि यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, पहली बात, और दूसरी बात, यह थ्योरी किसके बारे में बताती है? इट असर्ट्स ऑन द बिहेवियरल लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू पर्सनल कॉन्टेक्ट विद अदर पीपल। देखिए, सदरलैंड ने ऑब्जेक्टिव अप्रोच ली, तो जो ऑब्जेक्टिव अप्रोच है उसमें इसने सोशियोलॉजिकल लिया। वो क्या कह रहा है, बिहेवियरल लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू पर्सनल कॉन्टेक्ट विद अदर पीपल। एक व्यक्ति यदि वह क्रिमिनल है, उसकी बात हो रही है, तो वो क्या कह रहा है कि आसपास में वह जिन व्यक्तियों के संपर्क में आया है, सहचार्य का सिद्धांत है। तो सहचार्य यानी कि जिनके आचरण, उसका आचरण किसके अनुसार बदला है, जिनके पर्सनल कॉन्टेक्ट में वह व्यक्तिगत रूप से आया है। फॉर एग्जाम्पल, इसको ऐसे समझते हैं कि वह क्राइम क्यों करने लगा है। एक माता पिता है, एक परिवार में एक बच्चा रह रहा है, एक बड़ा बच्चा है, डेलिंक्वेंट है, और वह अपने माता पिता के साथ रह रहा है। उन माता पिता की यह आदत है, और या आदत मान लें, या वह ये सोचते हैं कि यदि किसी गरीब व्यक्ति को भोजन कराएं और उसके लिए कुछ इधर उधर से चोरी कर भी ली जाए, तो उसके लिए ना तो वह मना करते हैं और वह उसके लिए ना तो मना करते हैं और वह कहते हैं ये ठीक ही है कार्य। तो उस बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ा? आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट, अ पर्सन इज स्टेइंग विद हिज पेरेंट्स मदर एंड फादर। द मदर एंड फादर दे नीदर से नो, दे नीदर से यस फॉर अ टू अ पर्सन who believes that a theft is necessary if he is feeding some poor people. So what happens, यदि चोरी की भी जाती है तो उनके द्वारा ना नहीं किया जाता, तो उस बच्चे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ जाता है? वह बच्चा ये सोचता है कि जब उसे ना नहीं किया गया है, तो यह जो कार्य किया गया है, यह कार्य उपयुक्त ही होगा, क्योंकि उस बच्चे के मनन में बिहेवियर उसका इस प्रकार का हो जाता है। तो पर्सनल कॉन्टैक्ट विद अदर पर्सन, ये एक बात हो गई। अब इसी में एक और बात हम कहेंगे कि इसलिए क्या कहा जा सकता है इस सिद्धांत के बारे में, कि यह सिद्धांत क्या कहता है कि किन्हीं ऐसे व्यक्तियों के बीच में आता है जो कि अधिक ऐसे अधिक व्यक्तियों के बीच में आता है जो कि विधि की उल्लंघना करते हैं, तो उनका प्रभाव उस पर ज्यादा पड़ेगा, ना कि उनका प्रभाव जो कि उल्लंघना नहीं करते हैं। द पर्सन इज अफेक्टेड बाय द सोसाइटी विच इज एग्जैक्टली वायलेटिंग द लॉ, द सोसाइटी ऑफ दोज पर्सन्स हु आर वायलेटिंग द लॉ, एंड इट इज नॉट अफेक्टिंग दैट पर्सन हु आर नॉट वायलेटिंग द लॉ। तो उस बच्चे पर, उस व्यक्ति पर उनका प्रभाव अधिक पड़ता है जो कि विधि का उल्लंघन करते हैं। यह यदि हिंदू समाज में देखा जाए, इफ इट इज सीन इन द हिंदू सोसाइटी,
पूर्व में ज्वाइंट प्रॉपर्टी, ज्वाइंट एक फैमिली हुआ करती थी, संयुक्त परिवार की अपने यहाँ एक परंपरा थी। अब संयुक्त परिवार में सभी व्यक्ति साथ में रहते थे, उनकी इकोनॉमिक, उनकी वॉट एवर वॉज देयर इकोनॉमिक कंडीशन, स्टिल दे डिड नॉट लेट द अदर पीपल, लेट द अदर पीपल आई एम टॉकिंग अबाउट द चाइल्ड और एनी अदर पीपल, द कर्ता, लेट द अदर पीपल वर नॉट ऑल्सो, दे नेवर थॉट ऑल्सो दैट हाउ वॉज द फूड और क्लोदिंग बीइंग प्रोवाइडेड टू देम, क्योंकि उनके स्मृति पटल पर भी ये कभी नहीं आता था कि कर्ता किस प्रकार से कर रहा है। और वह जब एकजुट होकर रहते थे तो उन पर किसी अन्य व्यक्ति का प्रभाव ही नहीं पड़ता था। अब उसी प्रकार से जब डेवलपमेंट हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, तो सिंगल फैमिली हो गई, यानी कि एकल कुटुंब हो गया। अगर एकल कुटुंब हो गया तो वह केवल एक छोटे से फैमिली के बीच में रहने लगे। अब जब फैमिली के बीच में रह रहे तो इकोनॉमिक कंडीशंस भी बिगड़ सकते हैं, कई अन्य कारक हो सकते हैं। तब वह व्यक्ति पर प्रभाव किसका पड़ जाएगा, क्राइम करने के लिए वह अग्रसर हो जाएगा। तो ये दोनों ही चीजें क्या हुई, संयुक्त कुटुंब में ये देखा जाता था कि देखिए ये क्रिमिनोलॉजी है, क्रिमिनोलॉजिस्ट ने अपने व्यूज बताए हैं, आज की सोसाइटी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मैंने आपको पूर्व में भी बता दिया था कि थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स को वही बात रखनी है जो कि अपराध शास्त्रियों ने बताई है, अपनी तरफ से किसी प्रकार का कोई क्रिटिसिज्म, कोई आलोचना मत देना, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको रिसर्च नहीं करनी है। तब जब यहाँ एकल कुटुंब में ये देखा गया कि वह किसकी ओर अग्रसर हो रहा है, क्राइम की ओर। अब थॉस्टन सेलिंग एक और बात कहते हैं, थॉस्टन सेलिंग क्या कह रहा है इसको इस तरह से देखते हैं कि बायगैमी जो आईपीसी में है, बायगैमी पनिशेबल है, ठीक। अब बायगैमी यानी कि द्विविवाह पनिशेबल है, लेकिन कहां पनिशेबल है, किन किन विधियों में पनिशेबल है, यदि इंडिया में देखी जाए तो हिंदू, क्रिश्चियंस और पारसीज में ये पनिशेबल है, परंतु मुस्लिम्स में क्या ये पनिशेबल है, लेकिन वहां पनिशेबल कहां होगी, तो मुस्लिम मेल इज अलाउड टू हैव मोर देन वन वाइफ, बट मुस्लिम वाइफ इज नॉट अलाउड टू हैव मोर देन वन हस्बैंड। परंतु मैंने क्या कहा, हिंदू, क्रिश्चियन और पारसी, ठीक, इनको, दोनों ही पक्षकारों को द्विविवाह करने की बिल्कुल भी उल्लंघना है, यानी कि द्विविवाह वह उनकी विधि के अंतर्गत नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या देखा जा रहा है, एक सोसाइटी में फेवरेबल है और एक सोसाइटी में अनफेवरेबल है, तो क्वेश्चन यहां रह गया। तो इस तरह से जब ये क्वेश्चन रह गया तो ये क्या देखा जाएगा, तो ये क्या देखा, दैट इट इज ऑलवेज एंड इंटरचेंज ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन एंड persons मोस्टली बिकम क्रिमिनल बाय द चेन ऑफ circumstances। तो परिस्थितियों के अनुसार व्यक्ति चेन ऑफ circumstances इस प्रकार से हो जाते हैं कि वह क्या करने लग जाता है, अपराध करने लग जाता है। तो एक्शन और रिएक्शन दोनों साथ चलते हैं। तो वो जब समाज में एक हिंदू क्या देखता है कि मुस्लिम आराम से, मुस्लिम पति आराम से विवाह कर रहा है, एक के साथ एक के अलावा अन्य पत्नियां वो रख सकता है, तो एक हिंदू व्यक्ति भी क्या सोचता है, एक हिंदू पति भी क्या सोचता है, व्यक्ति क्या सोचता है कि मैं अधिक विवाह करूं। तब वह बायगैमी कर लेता है, तब वह द्विविवाह की ओर अग्रसर हो जाता है। अब जब अपन ने यह देखा तो यहां क्या पाया गया कि यह देखा गया कि इस प्रकार से थ्योरी ऑफ डिफरेंशियल एसोसिएशन है। अब सोशियोलॉजिकल अप्रोच यदि और देखी जाए तो यहां मल्टीपल फैक्टर अप्रोच देखी जाती है, किसके लिए, कॉजेज ऑफ क्राइम के लिए। अतः क्या कहा जाएगा, अपराधिका अपराधिकता संबंधी बहुविधि कारक, और ये किन्होंने कहा, प्रोफेसर विलियम हेले। इन्होंने क्या कहा, आगे और बढ़ते हैं, इन्होंने क्या कहा कि बहुत सारे, एक दो नहीं पांच छह
ऐसे कारक हैं जिसके कारण, जो कि कारक हैं किसके लिए, अपराध के लिए। कौन कौन से? मोबिलिटी, कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट, फैमिली बैकग्राउंड, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, रिलीजन एंड क्राइम, इकोनॉमिक कंडीशन, इकोलॉजी ऑफ क्राइम। तो यह किसके कारक हो गए? यह अपराध के कारक है। तो वो यह कहते हैं कि एक पर्टिकुलर फैक्टर नहीं है क्राइम के लिए, अन्य कई कारक हैं। देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स फॉर द क्राइम कॉजेशन। अब इसका भी क्रिटिसिज्म हुआ है, तो यह एक एक करके ध्यान से समझेंगे और फिर समझेंगे कि क्रिटिसिज्म किस प्रकार से हुआ है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट है, थ्योरी ऑफ डिफरेंशियल एसोसिएशन और साथ में मल्टीपल फैक्टर्स। शायद आपको थ्योरी ऑफ डिफरेंशियल एसोसिएशन समझ में आ गया होगा। कोई क्वेश्चंस हो तो यू कैन इजीली पुट अप। एंड नेक्स्ट, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द मल्टीपल फैक्टर्स। टेक केयर, स्टे होम। आई थिंक सो आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चंस हैं यू कैन इजीली पुट अप। Thanks once again.